देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। हम एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं और उसी बेस पे उसी आधार पे आप लोग अगला क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन में हमारे पास है 64 और इसका क्यूब रूट निकालना है हम प्राइम फैक्टर से, तो 2 से लगाते हैं 32 आता है, अगेन 2 से लगाते हैं 16 आता है, अगेन 2 से लगाने पर 8 आता है, अगेन 2 से लगाने पर 4, अगेन 2 से लगाने पर आता है 2। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 64 जो होगा उसका हमें निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट को इससे भी लिख सकते हैं और दूसरा फॉर्म भी होता है लिखने का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। और यहाँ पर हम लोग क्यूब रूट का सिंबल ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम है, 2 टू द पावर 6। और ये क्यूब रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/3। ठीक है, पावर में लिख सकते हैं हम लोग 1/3, कट रहा था, देख सकते हो क्या लिख सकते हैं पावर में 1/3। और 2 टू द पावर, चलिए एक स्टेप बढ़ते हैं, 3 यहाँ पर है, या इस टर्म को हम लिख सकते हैं हम लोग 64 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3। और ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। दैट मीन्स रिजल्ट के तौर पे हमें मिलता है 4। सो हमने यहाँ से देखा कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 4 होगा, यही अपना फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आप लोग खुद करोगे, डू योर सेल्फ।